Hello everyone, welcome to my channel. Today we are back with a new question. This is a question from complex power. For a load, RMS voltage is equal to 110 at an angle of 85 degree volt, IRMS 0.4 at an angle of 15 degree ampere. Determine karna hame complex power, apparent power, real and reactive power, next पावर फैक्टर और देन लोड इम्पिटेंस, ये सारे पैरामीटर हमें कैलकुलेट करने हैं। तो पहले निकालते हैं कॉम्प्लेक्स पावर। पहला पार्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स पावर। कॉम्प्लेक्स पावर को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस वोल्टेज का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। वोल्टेज इंटू आई करंट का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, कॉम्प्लेक्स पावर, ठीक है। करंट जो आएगी उसका कॉन्जुगेट लेना है। तो यहाँ पे देखो वी आर एम एस ये रहा, आई आर एम एस ये रहा, हमें इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट लेने के लिए क्या करते हैं, वी आर एम एस 110 85 डिग्री, आई आर एम एस इसका, लेकिन हमें कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट लेने क्या करेंगे, जो भी एंगल होगा उसका साइन अपोजिट कर देना है, या प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता। तो कॉन्जुगेट में ध्यान रखना है, बस एंगल के जो आगे जो भी एंगल का साइन है उसको अपोजिट कर देना, प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस। तो ये आ गया 0.4, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करो 110 के और 0.4 की, कितना आएगा, चलो मैं एक स्टेप लिख देता हूँ। जब मल्टीप्लाई होती है तो एंगल ऐड हो जाते हैं, तो 85 माइनस 15, तो ये कितना आ जाएगा, एस इक्वल टू इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 44। 85 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी, इसके यूनिट होगी वोल्ट एम्पियर। नेक्स्ट पूछा गया हमसे अपेरेंट पावर। अपेरेंट पावर जो होता है, अगर हमने कॉम्प्लेक्स पावर निकाल लिया तो वो होता है किसका, मोड ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर, ठीक है। तो मोड ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर यानी कितना हो जाएगा, इसका मोड निकालेंगे तो मोड वैल्यू क्या आएगी, जो भी इसकी मोड वैल्यू में निकालनी है तो एंगल को नेगलेक्ट कर दो, जो बाकी का पार्ट बचा वही क्या होता है, इसका मोड वैल्यू होती है, ठीक है। इसकी भी यूनिट क्या होगी, वोल्ट एम्पियर। नेक्स्ट रियल एंड रिएक्टिव पावर निकालनी है हमें। तो रियल और रिएक्टिव पार्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो एस दे रहा है इसी को मैं क्या करूंगा, चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो कितना आया, 44 एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री ये आया था। तो इसको जब मैं चेंज करूंगा तो ये आ जाएगा 44 कोस 70 डिग्री प्लस जे 44 साइन 70 डिग्री, ठीक है। ये तो चेंज करना आता होगा। तो एस इक्वल टू कितना आ गया, 44 कोस 70 आएगा 15.05 प्लस जे ये आएगा 41.35, ये आ गया एस का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो एस होता है वो सम होता है किसका, रियल पावर का एंड रिएक्टिव पावर का, यानी एस जो होता है वो होता है पी प्लस जे क्यू की फॉर्म में, जहाँ पी होता है रियल पावर और क्यू होता है रिएक्टिव पावर। अब देखो यहाँ पे, तो रियल पावर कितना आ गया, यहाँ से कंपेयर करके लिखो, नेक्स्ट पार्ट बी, रियल पावर जिसे हम पी कहते हैं वो आ गया 15.05, ठीक है। रियल पावर कहो या एवरेज पावर कहो एक ही बात है। तो रियल पावर या एवरेज पावर इसकी यूनिट क्या आएगी, वॉट। नेक्स्ट रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर तो वो होगी क्यू, क्योंकि यहां से वैल्यू कितना आ जाएगी, 41.35, इसकी यूनिट होगी वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, वीएआर, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा गया, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होगा, सी पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या होता है, कोस कोसाइन एंगल ऑफ वोल्टेज माइनस
करंट का एंगल, तो कोस वोल्टेज का एंगल कितना, वोल्टेज का एंगल देखो यहाँ पे 85, और करंट का एंगल कितना 15 डिग्री, तो कोस 85 माइनस 70, सॉरी 15, तो ये कितना आ जाएगा पावर फैक्टर कितना आ जाएगा, यानी कोस 70, कोस 70 होता है हमारा, कोस 70 की वैल्यू होती है 0.34। ठीक है, तो अब ये बताओ ये जो वो आया है ये लैगिंग होगा या लीडिंग होगा, लैगिंग या लीडिंग अगेन कैसे बताएंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से, जो पावर आया एस कॉम्प्लेक्स पावर आया, इसको ध्यान से देखना ये किस टाइप का, पी प्लस जे क्यू का, यानी किस, अगर ये जे प्लस होता है तो यानी इंडक्टिव होता, जे नेगेटिव होता है तो कैपेसिटिव होता, यानी ये किस टाइप का इस लोड रहा होगा, इसमें इंडक्टिव लोड रहा होगा, इंडक्टिव लोड के लिए क्या होता है लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है, हम पावर देख के बता सकते हैं कि लीडिंग है या लीडिंग होगा या लैगिंग होगा। ठीक है, बस पावर उस कॉम्प्लेक्स पावर को लिखो, उसमें अगर जे प्लस है तो वो इंडक्टिव लोड हो जाता, और इंडक्टिव के लिए क्या होता है लैगिंग पावर फैक्टर होता है, अगर जे नेगेटिव है तो कैपेसिटिव लोड होगा और पावर फैक्टर जो होगा लीडिंग होगा। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ तक निकल गया। नेक्स्ट पूछा गया हमसे लोड इम्पिटेंस, देखो अब लोड इम्पिटेंस निकालने वही आएगा, इंडक्टिव लोड ही आएगा, देखो कैसे निकालते हैं, तो इंडक्टिव लोड क्या आ जाएगा, सॉरी लोड इम्पिटेंस पूछा अभी, लोड इम्पिटेंस यानी मैं जेड से इसको रिप्रेजेंट करूं, क्या आएगा ये वी अपॉन आई, तो वी कितना आया मेरा, वी आया मेरा 100 जो गिवन है मुझे 85 डिग्री, और ये कितना गिवन है 0.4 15 डिग्री। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करेंगे कितना आएगा, ये इसको इससे डिवाइड किया ये आएगा 275, और एंगल ऊपर जाके अगेन माइनस हो जाएगा, तो 85 माइनस 15 वो कितना हो जाएगा 70 डिग्री, इसको चेंज कर लो। ठीक है, इसको चेंज कर लो उसमें, तो 275 cos 70 प्लस जे 275 sin 70। ठीक है, तो जे कस तो कितना आ गया, इसको जब ओपन करेंगे तो कितना आएगा ये नेक्स्ट 94.05 प्लस जे 258.4। ठीक है, मैंने कहा तो देखो पावर देख के भी हम बता सकते हैं, यहाँ पावर में भी वही था, देखो जे प्लस का आया था, यहाँ पे भी लोड में देखो जे प्लस का आया। ठीक है, किस टाइप का लोड है ये इंडक्टिव लोड, तो पावर फैक्टर हमने देख के बता दिया। ठीक है, तो पावर फैक्टर देख के पता लग गया, सॉरी वो पावर देख के भी हम बता सकते हैं कॉम्प्लेक्स पावर, लोड देख के तो हम फिर अगेन बता ही सकते हैं। ठीक है, किस टाइप का वो पावर फैक्टर लीडिंग होगा या लैगिंग होगा। तो इस वीडियो में हमने देखे कैसे हम डिफरेंट पैरामीटर्स को निकाल सकते हैं, अगर हमें कोई भी दो पैरामीटर गिवेन है तो हम सारे पैरामीटर इन सारे पैरामीटर को निकाल सकते हैं। ठीक है, आने वाले वीडियोज में यही सब देखेंगे हम, इस बार वोल्टेज करंट दे रखा था, वहां पर कोई और पैरामीटर दे रखे होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।